शेतवान रजीम बिसमिल्लर रखीम मेरे प्यारे और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो मैं आपको अमल बताने लगी उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की जाती है कि अगर आप इसखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातमत सजारा से मदद हासिल कर सकते हैं इन आपकी भरपूर मदद की जाएगी आज जो मैं अमल ख़ास आपको तस्वीर का बताने लगी हूँ बहुत से लोगों ने आपको अमल बताए होंगे लेकिन आज जो या वदूद का तस्वीर का अमल समझाने लगी हूँ आप प्लीज़ वैसे अमल कीजिएगा इन के हुक्म से आपका अमल बहुत ज़्यादा कामयाब होगा तस्वीर का तलक अल्लाह पाक ने वैसे तो तस्वीर को हराम मतलब कि करार दिया क्योंकि जानदार चीज़ों की तस्वीर बनाना गुना है ठीक है ना लेकिन आजकल जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत कम समझते क्योंकि इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि जो कोई भी नहीं समझ सकता और किसी को ना ही समझ आते अल्लाह के ठीक है ना ये अरश राज हैं ये अल्लाह अल्लाह पाक जानते हैं तो बेहतर यह है कि इनके इन के साथ ज़्यादा जिन है अपने आप को ना ये सब मतलब कि शिर की तरफ ले आता है तस्वीर के ऊपर या वूदों का जो जिक्र है वो कैसे किया जाता है सबसे पहले बहुत सी आप तस्वीरें आपने रखी होती है पहले चेक किया करें कि वो तस्वीर एडिट तो नहीं है क्या उसमें कोई रद्दबदल किया है कलर चेंजिंग वगैरह ये चीज़ें की हैं वो तस्वीर पे अमल करें कभी भी कामयाब नहीं होंगे नंबर एक अगर किसी बहन की बहन है उसकी तस्वीर पे आप अमल करें तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं है और ऐसे ही अमल कर ये भी गलत बात है ठीक है ये तरीका भी गलत है तस्वीर पे जब अमल करते हैं ना तस्वीर का अमल का जो तलक होता है ना वो आँखों से है। आंखों होता है आँखों के दरमियान जो कशप क्लूब का हिस्सा होता है जहाँ मखफ़ी मकाम होता है वहाँ पर ही अमल असर करता है और किसी चीज़ पर नहीं कर देखें मेरी बात सुने आँखों के दरमियान या दो भावों के दरमियान आईब्रो के दरमियान जो मतलब कि खला है ठीक है ना वो मुकामी मख्फी है जब हम किसी की तस्वीर पर दम करते हैं ना तो आँखों के दरमियान किया करें मुकामी मख्फी पे दम किया करें तभी वो असर करेगा इस तरह असर नीयत जब तक नहीं ना रखेंगे तब तक कभी अमल नहीं असर होता याद रखें दुपट्टे तो वाली तो अगर भाई लोग करें रहे हैं भाई लोगों की तस्वीरों तो कोई मसला नहीं है ठीक है अब तस्वीर एडिट ना हो तस्वीर में रत्त बदल ना हो तस्वीर में ऐसा कोई चीज़ चेंजिंग ना हो एडिट ना हो उसके आँखों की जो मतलब कि देखने का तरीका बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आपकी तरफ सामने देख रहा है ठीक है तभी तस्वीर वाला अमल जो उनसे असर करता है या वो तो सिर्फ पाँच मिनट का ताकतवर अमल मैं आज आपको बताने लगी हूँ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये अमल कर लेते हैं तो इन शह अलहदुल्ला आपका अमल कामयाब हो जाएगा एक ही दफा के करने से अब आपने क्या करना है कि जब आप तस्वीर पर अमल करें या वो दूध का जिक्र किस तरह करना है इस तरह करें कि वो तस्वीर बोल रही है और वो आपकी तरफ देख रही इतने मुहित हो जाएँ उसकी आँखों के दरमिया हिस्से में कि मखफ़ी मुक़ाम पे इतने मुहित हों कि वाकई ही वो आपकी आवाज़ सुन रहा है या वुदू पढ़ना शुरू करें ठीक है ना और बग़ैर आंख झपके जब, जब आपने या वुदू का जिक्र करना है तस्वीर की तरफ इतने गहरे तरीके से देखना है कि आपकी आंख बिल्कुल भी मतलब कि झपकनी नहीं, नहीं चाहिए आपकी आंख नहीं बिल्कुल भी जौन सा है अप डाउन अप डाउन नहीं होनी चाहिए जब आप तस्वीर की तरफ देख कर अमल कर रहे होते हैं तो फोकस आपका आंखों के दरम्यान बल्कि आँखों की तरफ नहीं हो चेहरे की तरफ ना हो सिर्फ आँखों के दरमियान आपका फोकस हो अब आपने जब आप इस तरह करके अमल करेंगे ना यकीन माने आपका अमल ये ये कोई आपको नहीं बताएगा ठीक है ना बहुत सी आपने तस्वीरों अमल करो तस्वीर के ऊपर अमल करो ये करो ये गलत बात है तस्वीर का तलक मुकामी मखफ़ी से है ठीक है जहाँ पर रुखानियत का मतलब कि दरवाज़ा है ठीक है ना मुकाम मखफी रुखानीत का दरवाज़ा ठीक है ना जिसे मैंने बहुत से अमलों में भी आपको बताया है मुक़ाम मगफ़ी कशप क्लूब वातनी आँख ये बातनी आँख का तलक है ये तीसरी आँख जो उनसे होती है ना हमारी दोनों आँखों के दरमियान होती है आप या वूदो इकतालीस मरतबा की हदूद में आपने बिना आँख झपके हुए आँखों की तरफ जो मगफ़ी मुकाम है वहाँ देखते हुए अगर अमल कर लिया आपका मसला हल हो जाए अब आपने क्या करना है आपने एक दफ़ा या वो दो दो पढ़ लिया इकतालीस मरत वो आँख को झपक लिया अब आपने उस तस्वीर को देना है या उस तस्वीर की तरफ़ देख कर आपने ये बात करनी है कि आप मेरे से राबा करें या ला पाक ये शख्स जिसकी मैं तस्वीर देख रही हूँ या मुझसे रबा करें या अल्लाह इसके दिल में रहम अता फरमाए या अल्ला ये मुझसे मिल लें अगर हस्बैंड वाइफ का मसला तब भी अगर रिश्तों का मसला है तब भी ये अमल कई तरीकों के लिए आपसे आप जो है कर सकते हैं इन शाला देखिएगा आपका ये अमल कितना कितना पावरफुल होगा एक दफ़ा मेरे कहने पर अमल करें और इस तखारा रूहानी इलाज के लिए हमसे रबा कर सकते हैं हाँ अगर ये अमल करना है एक दफ़ा मुझसे इजाज़त ले लीजिएगा अगर अगर ज़ाहिर है उस्ताद आपके साथ होगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन अमल होगा इसी के साथ इजाज़त दे अपना ख्याल रखिएगा जजाक